इस वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेंगे जिनका स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। जैसे आपको यहाँ पे दिया गया हो 5 का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे यहाँ और 5 यहाँ लिखेंगे, यानी 2 टाइम्स। ठीक, अगर 5 की पावर 2 है तो हम इसे 5 को 2 टाइम्स लिखेंगे, फिर इसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25, जो इसका आंसर होगा। अगर आपसे कहा जाए कि 4 का स्क्वायर फाइंड आउट करिए, तो हम 4 को 2 टाइम्स लिखेंगे और सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 16, ये आपका स्क्वायर आ गया। हमने इससे पहले वीडियो में देखा कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका सिंबल होता है इस तरह, ठीक, स्क्वायर रूट का सिंबल है ये। अगर किसी नंबर के ऊपर ये सिंबल हो तो इसका मतलब है आपको उस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इसका सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि हम इसका फैक्टर करेंगे और फैक्टर से हम उसके बाद उसके पेयर्स बनाते हैं, फिर हमें पता चल जाता है कि आंसर क्या होगा। 16 मैंने यहाँ लिखा, फिर मैं इसका फैक्टर करूँगी, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अब मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ के 2 पेयर बनाऊंगी, 2 यहाँ पे 1 2, इसके पेयर मैंने बनाया और मैंने यहाँ पे 1 2 कंसिडर किया। वैसे ही यहाँ पे मैं 1 2 लूंगी, फिर मैं क्या करूँगी, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। जितने भी आपके पेयर बनते हैं आपको 1 कंसिडर करना है, 1 डिजिट, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा, 4। यानी अगर रूट 16 आपको दिया गया है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 4। ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है 4 8 4। अब मैं इसका फैक्टर करूँगी, तो फैक्टर मैं यहाँ पे इसका फाइंड आउट करती हूँ। 4 8 4 को मैंने यहाँ लिखा। अब मैं सबसे पहले लीस्ट नंबर लूँगी, जैसे 2 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2। अब देखिए ये 3 की टेबल से नहीं कट होगा, 4 की टेबल से भी नहीं होगा, 5 की टेबल से भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, आगे के नंबर्स लेंगे, 9 की टेबल से नहीं, 10 की टेबल से नहीं। ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 11 की टेबल में 122 आता है, तो 11 1 122। अब फिर मैं यहाँ पे 11 लूँगी और 11 1 11। यहाँ पे जब मैं पेयर बनाऊँगी तो मैंने यहाँ पे 2 लिया, यहाँ मैंने पेयर बनाया तो मैंने यहाँ पे 11 लिया, ठीक। अब इसी नंबर को मैं यहाँ लिख लूँगी 2 × 11, और मेरे पास आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 22। इसका मतलब है कि अगर रूट 484 का स्क्वायर रूट किया जाए, उसके फैक्टर्स निकाले जाए, तो हमारे पास आंसर आएगा 22, जो इसका आंसर होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।